दोस्तों जेनिफर पिकेट और कुशल टंडन का किसिंग सीन वायरल हो रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये एक दूसरे के नज़दीक आ गए थे बेहद सीज़न वन की बात करें तो काफ़ी सुपरहिट सीज़न में से गिना गया था। बेहद सीज़न टू किया था उसके बाद इन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी कुशल टंडन की जेनिफर पिकेट को काफ़ी याद आती है, क्योंकि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब दिखाए गए थे और एक दूसरे के काफ़ी करीब भी आ चुके थे। बेहद टू की बात करें तो बेहद टू एक अलग देखने को मिला था, लेकिन बेहद वन में जिस तरीका से एक दूसरे को पूरी किस और काफ़ी बोल्ड सीन, रियल में बोल्ड सीन किए थे कुशल टंडन और जेनिफर पिकेट के बीच में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, करण सिंह ग्रोवर की एक्स वाइफ जेनिफर पिकेट, जो कि आपको पता ही चल चुका होगा कि जेनिफर पिकेट और कुशल टंडन एक दूसरे के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे। कहीं ना कहीं ये काफ़ी दिलचस्प बात है कि जो जेनिफर पिकेट बहुत कम एक्टरों के साथ में घुल मिल खाती है, लेकिन कुशल टंडन एक ऐसे एक्टर बन चुके हैं जो कि जेनिफर पिकेट के काफ़ी करीब आ चुके हैं। इतने करीब आ चुके हैं कि शायद ही कोई जानता हो, क्योंकि जेनिफर पिकेट को वो लिप्स टू लिप्स किस काफ़ी बार भी कर चुके हैं। यहाँ तक कि जेनिफर पिकेट को भी इस बात से कोई किसी भी तरीका की एलर्जी या किसी भी तरीका की कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कुशल टंडन और जेनिफर पिकेट काफ़ी अच्छे फ्रेंड रह चुके हैं। लोग तो ये भी बोलते हैं कि इनको एक कपल्स के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि जेनिफर पिकेट और कुशल टंडन ही बेहद सीजन वन के काफ़ी अच्छे एक्टर थे। सुनने में तो ये भी आ रहा कि बेहद थ्री अगर आएगा, बेहद थ्री में कुशल टंडन के साथ में फिर से रोमांस करती नज़र दिखेंगी जेनिफर पिकेट। जेनिफर पिकेट और कुशल टंडन की जोड़ी की बात की जाए तो उनकी जोड़ी काफ़ी सुपरहिट जोड़ी में से भी गिनी जाती है, जो कि लोग इनकी जोड़ी को अक्सर पसंद भी किया करते हैं, क्योंकि जोड़ी इनकी हमेशा से ही एक नई पॉपुलरिटी हासिल की है। कहीं ना कहीं अपकमिंग प्रोजेक्ट जो कि बेहद सीजन थ्री जो दिखाया जाएगा, उसमें जेनिफर पिकेट के साथ में कुशल टंडन की एंट्री हो जाएगी। कुशल टंडन और जेनिफर पिकेट जो कि एक दूसरे के साथ में काफ़ी टाइम पहले भी मूवी कर चुके, सीरियल कर चुके हैं बेहद सीजन वन, जो कि सीजन वन भी काफ़ी सुर्खियों में रहा था। लोगों ने उस सीज़न को काफ़ी पसंद भी किया था, जो कि माया का किरदार निभा रही थी जेनिफर पिकेट माया का किरदार और कुशल टंडन अर्जुन शर्मा की भूमिका निभा रहे थे। लोगों ने इस सीज़न को बखूबी काफ़ी प्यार भी दिया, काफ़ी सपोर्ट भी किया, जिसकी बदौलत ये सीज़न सुपरहिट सीज़न साबित हुआ था और उसी के बेसिस पर फिर सीज़न टू आया था। बेहद सीज़न टू अच्छा सीज़न रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कुशल टंडन की कमी को कोई भी पूरा नहीं कर पाया। कुशल टंडन और जेनिफर पिकेट की बात करें तो ये दोनों एक्टर्स तो काफ़ी सुपरहिट और काफ़ी पॉपुलैरिटी पहले ही हासिल कर चुके हैं, जो कि लोगों को इनकी केमिस्ट्री काफ़ी पसंद भी आती है। लोग इनको फिर बार बार देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को इनकी हर एक केमिस्ट्री काफ़ी पसंद आई, जिसके कारण लोगों ने इनको फिर से एक दूसरे के लिए देखना काफ़ी पसंद भी किया है। अब देखना ये काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर कुशल टंडन और जेनिफर पिकेट कितने टाइम में एक दूसरे के साथ में कमबैक करते हैं। जितने जल्दी एक दूसरे के साथ में कमबैक कर लेंगे उतना ही थोड़ा इनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कुशल टंडन और जेनिफर पिकेट के किसिंग सीन की तो आपको पता ही है कि काफ़ी एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए थे, जो कि लोगों ने इनको काफ़ी प्यार भी किया और काफ़ी हद तक इन लोगों को पसंद भी किया, जो कि लोगों की पहली और आखिरी चॉइस कुशल टंडन के साथ में जेनिफर पिकेट की थी। जेनिफर पिकेट और कुशल टंडन के फैंस को ये काफ़ी अच्छा लगता है कि जब ये दोनों कपल्स एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। बेहद सीजन वन के सेट पर भी एक दूसरे के साथ में काफ़ी नज़दीक आ चुके थे, जो कि इस बात से ना ही जेनिफर पिकेट को कोई दिक्कत थी और ना ही कुशल टंडन।